ओके सो हियर व्हाट इज रिटन देयर यू कैन सी हियर द फोर बेरिंग्स ऑफ द डिफरेंट लाइन विच इज ए बी बी सी सी डी एंड डी ई. ओके वो आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है, एंगल सी फाइंड आउट करना है और एंगल डी फाइंड आउट करना है. पार्थ कक्कड़, अब आपकी गलती कहाँ पे है मैं आपको बता दूँ. यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है कि आपकी सर्किट क्लोज हो रही है. देखिए ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ई है और ई है तो है ही नहीं, तो आपका जो फिगर है वो कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना. लेकिन आपके माइंड में क्या चलता है कि आपने किसी बुक में देखा होगा कि क्लोज सर्किट ही होता है, ऐसा नहीं है. ये फिगर आधा रहेगा, फिर भी आपको बी सी और डी एंगल्स फाइंड करने. कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल ले लीजिए, ठीक है. और सबसे पहले आपको, मैं यहाँ पे ड्रॉ करते जाता हूँ, आपको पेज के बीचों बीच से स्टार्ट करना है. कहाँ से स्टार्ट करना है? सपोज़ ये आपका पेज का सेंटर है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है, राइट. ये जो डॉट आपको दिख रहा है ये वाला, ये पेज का सेंटर है. तो सबसे पहले आपको पेज के सेंटर से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं. पार्थ ने क्या किया, सपोज ये मान लीजिए आपका पेज था, राइट. तो पार्थ ने कहाँ से स्टार्ट किया, फिगर ड्रॉ करना चालू किया, यहाँ से. यहाँ पहले क्रॉस डाल करा, फिर यहाँ क्रॉस किया, फिर यहाँ क्रॉस किया और यहाँ क्रॉस किया और जोड़ दिया सारे को. ये दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, राइट. ये गलत प्रैक्टिस है. आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपके पेज जो है लैंडस्केप मोड में ही बनाना है, पोर्ट्रेट मोड में कभी ये फिगर बनाना नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में एंगल्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स होगा. ओके गलती हो सकती है. तो मान लीजिए ये आपका लैंडस्केप का पेज है सपोज, ठीक है. लेकिन ये पेज है तो आपको सेंटर से स्टार्ट करना है. कोई भी फिगर अगर चार्ट बनाना हो तो आपको पेज के सेंटर से स्टार्ट करना है, वो भी लैंडस्केप मोड में, राइट. सो मान लीजिए मैं आपको इसको इरेज करता हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले ये आपने एक एग्जांपल एक सीख लिया आसानी से, तो जो है आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है सोल्व हो जाएंगे. तो मान लीजिए ये मैंने लाल जो डॉट किया है वो आपका पेज का सेंटर है, राइट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे एक क्रॉस लगाना है पेज के सेंटर के बीचों बीच. आपको इस तरह से क्रॉस लगाना है, ठीक है. इट्स बेटर टू हैव ए स्केल विथ यू, ठीक है. रफली बनाएंगे तो आपको एंगल में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. सो दैट इज़, मैंने क्या किया, सिंपल एक क्रॉस बना दिया. और हर बार जो है मैं वहाँ पे लिख दूँगा नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, ये मैंने लिख दिया, राइट. अब जो है आपको क्या करना है, वापस से स्केल लीजिए. आपके पास प्रोटेक्टर है, उसके हिसाब से आप एंगल ले सकते हैं, ठीक है. कितना एंगल है, 45 डिग्री और 30 मिनट. लेकिन हमें 45 डिग्री पे यहाँ पे हम लाइन बनाएंगे. आपको इतना एक्यूरेट नहीं करना है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. तो अब जो है मैं ब्लैक पेन से मैं एक 45 डिग्री पे लाइन बनाया. वो 45 डिग्री कहाँ से होगा, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन से चल के इस तरह से आपका 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, राइट. तो दैट इज़ द करेक्ट मेथड. अब आप क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे एक क्रॉस लगाना है. किस तरह से लगाना है, सिंपल, जैसा यहाँ पे आपने किया वैसा ही क्रॉस आपको यहाँ लगाना है. जस्ट मैं इसको अगर कॉपी कर सकूँ, इस तरह का क्रॉस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है. जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही आपको बनाना है, ठीक है. और कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको बुक पे ड्रॉ करना है, राइट. अब आपकी फिगर तीन डायरेक्शन में जा सकते हैं. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री वापस से है तो ये आपकी लाइन जो है वो सीधी जाएगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, राइट. अगर आपका एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच है तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकती है, राइट. अगर आपका एंगल जो है 270 से लेकर 360 डिग्री तक है तो आपकी फिगर इस तरफ जाएगी. तो आप ये तीन में से कौन सी डायरेक्शन में फिगर गया वो आप डिसाइड नहीं कर सकते.
आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल देखना होगा कि कौन से एंगल में गया है, राइट। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, तो हमारी फिगर कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, राइट, वो हमें इस एंगल से पता चलेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री जो है आप ले लीजिए, वापस से आप स्केल लीजिए, लेकिन आप मेज़र कहाँ से करेंगे, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन, यही होल सर्कल बेरिंग मेथड का है। तो यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे 90 होगा, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे वापस है 360 डिग्री। तो अब हमारा एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो वो कहाँ आएगा, 0 से 90 से बीच में तो नहीं आएगा, 120 आएगा 90 और 180 के बीच में। तो हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है जो 180 डिग्री रिप्रेजेंट करे ऑलमोस्ट, राइट। तो वापस से मान लीजिए ये मैंने 180 डिग्री कर दिया, राइट, 120 डिग्री, 90 और 30, 120। तो वापस से मैं लाइन बनाता हूँ, ये इनफाइनाइट लाइन होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लेंथ अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं लेंथ के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम एंगल्स के बारे में बात करते हैं। सो ये इनफाइनाइट हो गई, ये आपकी लाइन इनफाइनाइट, लेकिन आपको क्रॉस रख देना है, छोटा रखना है, राइट। वापस इसको कॉपी कीजिए, जस्ट अ मिनट, हाँ। हाँ जी सर, ये तो ख्याल छे मने, पण लिंक तमारे जो कहीं शेयर करवानी हुई तो पहला करी देजो, कारण के आ साढ़ा साढ़ा दस सुधी। ओके, डन डन, ओके ओके, श्योर, 100%, 100%, हाँ। ओके, सो आपने क्या था, एग्जाम्पल सोल्व कर, आमा कोई डाउट हो तो मने पूछो। दर वक्ते तमें क्रॉस तो मुकोज पड़से, आपको ये क्रॉस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल सी किया, अगर ये आपकी मर्जी है कि मैं कहाँ पे रखूँ ये इस लाइन को, ठीक है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, क्रॉस तो कहीं पे भी बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए फिगर, तो मैंने यहाँ रख दिया छोटे से बाहर, राइट। ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको रखना कहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा सा आपको फिगर दिखे इस तरह से। तो मैंने ये सपोज यहाँ रख दिया, ठीक है, क्रॉस तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि आप पहले क्रॉस कर दीजिए और बाद में जो है आप फिगर बनाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्रॉस वापस से मैंने रख दिया, इसको अभी वापस से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, राइट। सो दिस इज द केस, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। तो बाकी का जो है आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो सभी को इरेज कर दीजिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमारा फिगर जो है किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे भी आपको तीन डायरेक्शन मिल गई, या तो फिर वो ऊपर की साइड जा सकता है आपका फिगर, इस तरह से जा सकता है, या फिर इस तरह से जा सकता है, या फिर वापस मुड़ सकता है, ये आपको पता नहीं है किस तरफ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको एंगल्स देखना पड़ेगा, उसके बाद वापस से, राइट। तो ये मैंने क्रॉस जो लगाया, ठीक है, तो अब आपको एंगल वापस से देखना हो, 200 डिग्री। सो वी आर स्टार्टिंग, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, इस तरह से, राइट। वापस से नॉर्थ, ये जीरो हो गया, 90, 180 डिग्री और 360 डिग्री, सॉरी 270। तो अब जो है आपका एंगल 200 वो किसके बीच में आएगा, 180 से 270 के बीच में। तो वापस से आप स्केल ले लीजिए और आपको ड्रॉ करना है ऑलमोस्ट
जो है 200 डिग्री, राइट। सो आप वापस से ले लीजिए, और ये भी इनफाइनाइट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से मेरी लाइन चार सौ, अब वापस से क्रॉस पुट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलमोस्ट कॉपी किया हुआ है, आप इस लाइन को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, लेकिन हमारी फिगर जो अच्छी दिखे इसके लिए हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। वापस से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके ठीक इसको वापस से हम यहाँ से क्रॉस बनाएंगे। तो सेम प्रोसीजर, इसमें भी क्या हो सकता है कि हमारी फिगर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर वापस से मुड़ के इस तरफ जा सकती है, इस तरफ और इस तरफ, लेकिन हमें मालूम नहीं है तो एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल कौन सा है, 280 डिग्री, 280 डिग्री पे जाएगी। तो 280 डिग्री कहाँ पे आता है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो ये हो गया ज़ीरो, देख सकते हैं आप यहाँ पे ज़ीरो, 90, 180 और 270, ठीक है। तो 270 है, तो यानी इसका मतलब ये है कि 280 कहाँ आएगा, 270 के ऊपर। तो ये जो फिगर है, वापस से आपको स्केल लेनी पड़ेगी, और बाकी का जो पोर्शन है वो आप रब कर दीजिए, ठीक है, उसको आप इरेज कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 10 डिग्री पे हम लेंगे, क्योंकि हमारा 280 है। तो इस तरह से वापस से एक लाइन बनाएंगे, और ये जो फिगर है वो आपकी करेक्ट बनेगी। राइट। तो फिगर इस तरह से बनेगा, नहीं कि आपने पहले क्रॉस रख दिया और नाउ दिस इज द लेट अस पुट ए पॉइंट्स। और पॉइंट्स क्या है, 45 ए बी लाइन से, तो हमें पॉइंट रख देते हैं। सपोज मान लीजिए ये ए हो गया, ए पॉइंट पे कितना एंगल है, 45 डिग्री। ये हो गया बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे कितना एंगल है, 120 डिग्री। सो ये एंगल आपका 120 होगा। सिमिलरली सी पॉइंट पे सी डी, यानी कि ये सी है और ये डी है, तो डी जो है सी पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा, 200 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 200 है, और यहाँ पे कितना है, ये 280 है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमारा वापस से जो ट्रावर्स है वो ए पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। ये ओपन ट्रावर्स रहेगा, क्लोज ट्रावर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी फिगर बनती है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। अब समझ में आया, कोई डाउट है किसी को भी? देखिए, अभी आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का छोटा या कोई भी डाउट है ना, स्मॉलेस्ट डाउट, मान लीजिए वो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या क्या हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। हेलो सर, हाँ सर एंगल ए कई रीते फाइंड करी सकी है? कहियो। एंगल ए एंगल ए तो फाइंड કરવાનો જ નથી ને, જો તમે એંગલ બી સી અને ડી જ ફાઇન્ડ કરો, એટલા માટે તો એંગલ એ નથી આપ્યો તમને, ખ્યાલ આવ્યો? બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અ ક્લોઝ લૂપ, સો યુ કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ એંગલ એ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ ગિવન ટુ ફાઇન્ડ ધ એંગલ એ, ઓકે? સો યુ નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ એંગલ બી સી એન્ડ ડી ઓનલી, સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ, ઓકે? ઓકે, સો એનીબડી ઇફ યુ હેવ ધ સ્મોલેસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ યુ કેન આસ્ક મી રાઇટ નાઉ, બીકોઝ યોર નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તમારે સોલ્વ કરવાનો છે, દેટ ઇઝ વાય, ઓકે? અને એમાં બધાની સ્ક્રીન જે છે ઓન કરાવડાવીશ, અને જે તમે ડ્રો કરો છો, જેમ આપણે બધાને ચેક કરતા ને એમ બધાનું ચેક કરીશું આપણે, ઓકે? જેમ પાર્થને આપણે પૂછ્યું કે તમે ડ્રો કરીને સ્ક્રીન કરીને બતાવો, એવરીબડી હેઝ ટુ ટર્ન ઓન ધેર સ્ક્રીન એન્ડ વોટ આર યુ ડુઈંગ ઓર વોટ વોટ કાઇન્ડ ઓફ ફિગર ઇઝ યુ આર ડુઈંગ દેટ યુ નીડ ટુ શો ટુ ધ વર્લ્ડ ક્લાસ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ટુ ડ્રો એ ફિગર. 100%, 100%, યસ, ડેફિનેટલી, ડેફિનેટલી.